हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3000 रुपीज़ के अंदर के स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आपको 4G मिलेंगे और 3GB रैम के साथ मिलेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आपसे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए कि आपको 3 सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, जो कि मेरा नया इनिशिएटिव है। क्योंकि मुझे थैंक यू बोलना था गाइज आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज़ देने के लिए। तो गाइज, मैंने 3 सरप्राइजेस छुपाए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ और आप देख रहे हैं टॉप 5 कैटेगरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉप। तो गाइज, बात करते हैं फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसने हमारे लिस्ट पे टॉप रैंकिंग हासिल की है। तो फर्स्ट स्मार्टफोन जो हमारे लिस्ट पे है वो है रीच अलियोर राइज। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो ऑब्वियस है गाइज, मैंने बोला था 3GB रैम के फ़ोन्स हमारे लिस्ट पे होंगे, तो 3GB रैम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्लीक फ़ोन है, देखने में काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छा फ़ोन अगर देखने में आप ढूंढ रहे हो डिज़ाइन वाइज, तो आपको नहीं मिलने वाला है। डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। डिस्प्ले आपको IPS मिल जाती है। प्राइमरी कैमरा 8 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल है। और इसमें प्रोसेसर आपको क्वाड कोर 1.3 GHz देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पीड ड्रम प्रोसेसर है। और गेम्स की अगर बात करें तो पबजी जैसे गेम्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन पबजी लाइट हो सकता है हैंडल कर ले। मैंने टेस्ट नहीं किया, आप टेस्ट करके देख सकते हो। अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप लिंक पे क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक ब्लॉग लिंक जिस पे आप फुल डिटेल्स इस फ़ोन के बारे में देख सकते हो और वहाँ से बाय भी कर सकते हो। इस फ़ोन के बारे में मैंने तो एडवांटेजेस आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें गाइस, तो इस फ़ोन में एक डिसएडवांटेज भी है कि जो इसका सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्लो चलता है। कभी कभी तो लैग भी होता है थोड़ा, लेकिन काम चला हुआ है, आप काम कर सकते हो इजीली। 3GB रैम है, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 6000 और या 7000 के प्राइस रेंज में, मगर कंपनी ने इसके सेल्स को देखते हुए प्राइस को कम किया है। तो गाइज, ये था फर्स्ट फोन हमारे लिस्ट में। गाइज, जो फर्स्ट सरप्राइज आप लोगों के लिए है वो है एक गिव अवे। और गाइज, मैं बता दूं कि ये एक कैश प्राइज का गिव अवे होगा। कैश प्राइज तो जिस दिन लिस्ट डिक्लेयर होगा, विनर्स लिस्ट, उस दिन आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आगे का प्रोसेस आपके स्क्रीन पे है। तो गाइज, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो कुछ इस तरह से आपको आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो, साइन इन विद गूगल कर सकते हो और अपना अकाउंट यहाँ से साइन इन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको एक गिव अवे का लिंक दिखाई देगा, इस पर टैप करना है और यहाँ पे ज्वाइन गिव अवे कर देना है। तो गाइज, आप रजिस्टर हो जाओगे ये गिव अवे के लिए। बस इतना ही करना है गाइज, और आपको विनर्स लिस्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा इस ऐप में, और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा जिस ईमेल से आपने साइन इन किया है। तो बस इतना करना है और आप कुछ इनाम जीत सकते हो कैश प्राइज। जो सेकेंड स्मार्टफोन हमारे लिस्ट में है वो है फॉर्मी की तरफ से, फॉर्मी R7, एंड प्राइस रेंज 3000 के करीब। एंड प्रोसेसर स्पीड आपको देखने को मिल जाता है 1.3 GHz। प्रोसेसर टाइप है MediaTek। रैम मिल जाता है 3GB का और डिस्प्ले 5 इंचेस। प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा 13+2 मेगापिक्सल्स का और सेकेंडरी कैमरा 8+2 मेगापिक्सल्स का।
खास बात इस फोन का ये है कि प्राइमरी कैमरा इसमें आपको दो मिल जा रहा है और सेकेंडरी भी दो मिल रहा है। गाइज इतने कम प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा फीचर्स और दो दो कैमरा वाला फ़ोन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। 3 GB रैम अच्छे से चलेगा। करें तो थर्ड फोन हमारे लिस्ट में है इंटेक्स की तरफ से, इंटेक्स क्लाउड क्रिस्टल 2.5D। गाइस प्राइस रेंज 3200 के करीब आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर इसका 1 GHz का मिल जाएगा और प्रोसेसर टाइप मीडियाटेक है। रैम आपको 3 GB मिल जाएगा और डिस्प्ले 5 inches का मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 8 MP, सेकेंडरी 2 MP। तो गाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन इसमें डुअल कैमरा मिसिंग है। तो आपको अगर डुअल कैमरा चाहिए तो आप हमारे लिस्ट के सेकेंड फ़ोन पे जा सकते हो। फ्रेंड्स सेकेंड सरप्राइज स्पेशली ब्लॉगर्स या फिर जिनका वेबसाइट है, वेबसाइट ओनर्स के लिए है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्री में बैकलिंक्स अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से। तो डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाएं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो आपको मिल जाएगा हमारा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री में एकदम फ्री बैकलिंक्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ उनके लिए। फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे जो हमारे लिस्ट में स्मार्टफोन है वो है सेंट्रिक की तरफ से, सेंट्रिक G1। प्राइस रेंज इसका 3245 रुपीज़ है एंड प्रोसेसर आपको 1.3 GHz का देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर टाइप मीडियाटेक है। रैम आपको 3 GB मिल जाता है और प्राइमरी कैमरा 8 MP का और सेकेंडरी 5 MP का आपको देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है गाइस इस फ़ोन का। अगर आप पबजी खेलने के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हो काफ़ी चीप प्राइस पे, तो आप इसके साथ जा सकते हो। पबजी लाइट आराम से इसमें आप खेल सकते हो। गाइज हमारे लिस्ट पे जो आखिरी स्मार्टफोन है वो है सेंट्रिक की तरफ से, सेंट्रिक P1 Plus। प्रोसेसर स्पीड इसमें सेम पिछले वाले जैसा क्वाड कोर आपको 1.3 GHz का मिल जाएगा। प्रोसेसर टाइप मीडियाटेक है एंड रैम 3 GB का इसमें भी आपको मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 8 MP और सेकेंडरी 2 MP है। पबजी लाइट इसमें भी आप आराम से खेल सकते हो। तो गाइज आप इसके साथ जा सकते हो अगर परफॉर्मेंस आपको सही चाहिए। डिज़ाइन वाइज भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। फ्रेंड्स फाइनली बारी है हमारे लास्ट सरप्राइज का, जिसमें आपको मिलेगा फ्री कंसल्टेशन। आप चाहे ऑनलाइन फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो, पैसे कमाने से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। स्क्रीन पे ट्विटर आईडी मेरा दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के डायरेक्ट मैसेज करो। और गाइज एक बात और, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा, चाहे मेरे पास जितने भी मैसेजेस आए। और गाइज फ्यूचर में मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकोगे मुझसे कोई भी रिलेटेड क्वेरी, जो मैं आंसर दे सकता हूँ मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो गाइज आप लोगों के लिए सिर्फ मैंने ये कंसल्टेशन ओपन करा है। और प्लीज़ ट्विटर अकाउंट पे जाओ, डायरेक्ट मैसेज करो, कोई भी क्वेश्चन एकदम हिचकिचाओ मत, कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं आंसर दूंगा। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है। तब भाई ओ भाई दाई या भाई तुम काहे को जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए, हाँ दूर से, खोटा घमंड आने मत देना बेटा तू भूल से। ऊपर से हूँ खतरी लेकिन अंदर से हम फूल थे, सबके लिए मैंने जो जो किया सब वो भूल गए। मैं हूँ वो जो हूँ मैं, मैं हूँ वो जो हूँ मैं, मैं हूँ वो जो हूँ मैं, सवेरे होने लगे घेरे साथ देखना मैं चारा दो दो चेहरे। गलत हूँ मैं नहीं समझोगे हालत तुम मेरे, क्या करूँ मैं वही हो रहा है जो लिखा है नसीब में। अलग दिखता हूँ मैं इस भरी से इस भीड़ में, खोटा ना बनना मुझसे मंजिल के करीब में, जो नीच है मैं उनके लिए बहुत ज्यादा नीच में। मैं हूँ वो जो हूँ मैं, मैं हूँ वो जो हूँ मैं, मैं हूँ वो जो हूँ मैं,